मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। सीआई जमशेदपुर की तरफ से ग्रीन कन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कॉरपोरेट के डेलीगेट, कॉरपोरेट के फाउंडर एंड सीईओ अपनी अपनी विचार व्यक्त किए। कंप्लायंस टू जीएसटी पैरामीटर्स, फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, दीज आर द गवर्नेंस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग वेदर अ यूनिट इज कंप्लायंग विद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेशन। सो थैंक यू सर। I now request Dr. Tata Yadora, time horizon of at least 30 or 50 or even 100 years, if you look at the IPCC report. So you need to break down those bigger numbers that IPCC is giving you into your own operations and supply chain and see what kind of physical and regulatory risks that you have. Also financial risks. Now investors, typically the institutional investors are now choosing not to invest in companies that are polluting or that are socially not responsible. So if you look at those aspects, the answer to your questions will become obvious on their own. Still regarding the cluster, that was for a multilateral company, UNDP or GAX or anything to run the captive units like Tata or आज की जो डिस्कशन हुआ, आज के जो कंक्लूड हुआ ग्रीन एनर्जी के ऊपर, फाइनेंशियल सेक्टर अपने आप को कैसे देखता है? देखिए, मैं सुमेर अनिल राज हूँ और मैं यहाँ पे सिडबी के जमशेदपुर ऑफिस का हेड हूँ। एंड सिडबी जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जो प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड फाइनेंस ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए काम करता है। तो जो ये ESG फ्रेमवर्क या ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके कारण ये कॉन्क्लेव रखा गया है, इसमें बेसिकली बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो एक MSME यूनिट के लिए इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ़ होता है, क्योंकि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो उन कॉस्ट के लिए या तो वो कोई लोन लेंगे, तो लोन अगर आपको कंसेशनल रेट पे मिले तो इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि रूफटॉप सोलर कोई यूनिट लगा रही है अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करने के लिए, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए किसी ने 100 किलोवाट का या 200 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लगाया, तो उसमें जो हम फंडिंग करते हैं टू कॉम्पनसेट कि भाई जितना पैसा वो लगा रहे हैं शुरू में उसका पे बैक पीरियड कम हो, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि रेट ऑफ़ इंटरेस्ट भी कम हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के तहत एक MSC गिफ्ट करके स्कीम है, जिसमें हम माइक्रो एंड स्मॉल को, मीडियम को नहीं, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को फंड करते हैं, और जिसमें इंटरेस्ट रेट 8.8 से लेकर 9.75 तक रहता है, और इसके ऊपर इसी इंटरेस्ट में से 2% तक इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है फॉर लोन अप टू 2 करोड़। मतलब अगर किसी MSME यूनिट का इंटरेस्ट रेट 9% है तो वो 9% इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो सिडबी के थ्रू ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी यूनिट को 2% एनुअल बेसिस पे वापस करते हैं, तो नेट इंटरेस्ट उनका 9-2 7% हो गया। और उस तरीके से और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसमें क्या है कि हम लोग एनर्जी एफिशिएंट मशीन के लिए या हायर टेक्नोलॉजी के लिए या फिर और भी इस तरह के इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोन देते हैं। जैसे एक टाइफैक करके स्कीम है, जिसमें मान लीजिए कोई MSME यूनिट अगर कोई इनोवेटिव चीज़ लाता है जिसमें एनर्जी का कंजर्वेशन है या फिर कोई इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है, तो उसमें क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन अप टू 2 करोड़ देती है एट 5% इंटरेस्ट, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और उसका पूरा लोन देने का, अप्रेजल करने का काम सिडबी करती है। सर देखा जाए तो सर अभी बहुत इसमें R&D हो रहा है ग्रीन एनर्जी के लिए, कोई बच्चे रिसर्च करके, कोई कंपनी रिसर्च करके कुछ प्रोडक्ट या कुछ ऐसा फार्मूला ला देती है, तो सर उसमें क्या ग्रांट या आपके तरफ? हाँ देखिए, ये जो आप बता रहे हैं कि किसी ने कोई रिसर्च किया या किसी ने स्टडी करके कोई ऐसा मॉडल बनाया जो एक इनोवेटिव मॉडल हो गया, या तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड या किसी भी तरह के और प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो इस तरह का जो कल्चर होता है, जो इनोवेटिव बिजनेस मॉडल होता है, उसको स्टार्टअप कहते हैं। तो स्टार्टअप में क्या है कि स्टार्टअप में जब आप फंडिंग करते हैं तो उस कंपनी में आप इक्विटी ले लेते हैं, तो सिडबी डायरेक्टली स्टार्टअप नहीं कर सकता क्योंकि अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, अब सभी में हम फंड दें और इक्विटी ले तो आसान नहीं है। तो सिडबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑन बिहाफ पे क्या करता है, फंड ऑफ फंड ऑपरेशन ऑपरेट करता है, उसको AIFB के रूट से भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग वेंचर कैपिटल को, प्राइवेट इक्विटी को बोलते हैं कि आप इतने कंट्री में जितने भी इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स हैं
उनको आप कनेक्ट करके वो उनकी जो डेक रिपोर्ट बोलते हैं, जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास लाते हैं और हम उनमें से चूज़ करके बोलते हैं कि आप कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, किस कैसे इनोवेटिव बिजनेस मॉडल में करेंगे, तो वो एक ऑप्शन देते हैं। हाँ, वो तो स्टार्टअप फंडिंग होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनमें यहाँ पे सिडबी फंड ऑफ फंड ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। और उसके अलावा सिडबी की एक सिडबी वेंचर कैपिटल फंड भी है, इट्स अ सेपरेट कंपनी सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। वहाँ पे क्या है कि किसी भी स्टार्टअप को, जैसे आप प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल से लेते हैं, उसी तरह सिडबी वेंचर कैपिटल से आप अपने बिजनेस को लेकर जो एक्सपेंशन प्लान है, क्या बिजनेस है उसमें इनोवेशन क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, इन सब चीज़ों का आप वहाँ जाकर अप्रोच कर सकते हैं और अपना डेक रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं कि आप कैसे इसको कमर्शलाइज करेंगे, ये सक्सेस है कैसे आपको पता है, और कमर्शलाइज करेंगे तो क्या फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, इन सब का डिटेल रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे तो वहाँ भी फंडिंग अवेलेबल होती है। और स्टार्टअप में गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेशन भी होता है, जिसके तहत आपको गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख तक का लोन या फिर और भी इलेक्ट्रिसिटी के रेट में या इनकम टैक्स में आपको सब्सिडीज जैसे मिलते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू।